नमस्कार मित्रों, आप सबने देखा होगा कि अभी दिल्ली के अंदर दारू चालू हो गया है और हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों के अंदर, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से दारू का विरोध करते थे, आप ये देख लीजिए। एबीपी न्यूज के ऊपर है इनका ये खुद का बयान, क्या कहते थे ये? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए, बचना चाहिए। अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए, बचना चाहिए। आप देख सकते हैं तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए, बचना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी हैं जो पूरे भारत में अभी इस कोरोना वायरस के अंदर, महामारी के अंदर, कई किलोमीटर की लाइनें लोग लग के दारू ले रहे हैं। तो कोरोना वायरस फैलाने का काम कौन कर रहा है, आप ये समझ सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए दिखा रहा हूं जो अकल से पैदल है। गोबर भक्त जिसे हम कहते हैं, जिसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, कोई पोस्ट करो तो मां बहन की गाली देना, वो गोबर भक्त है। जो व्यक्ति दूसरे की मां बहन की गाली दे सकता है, वो कभी अपने मां बहन की इज्जत नहीं कर सकता, ये तय है। वो जरूर किसी उठल्लू परिवार का व्यक्ति हो सकता है। तो मोदी राज के अंदर कुछ हुआ नहीं हुआ हो, लेकिन गोबर भक्तों की संख्या, एक ऐसा वायरस है ये गोबर भक्त, जो इस देश की बर्बादी के लिए बहुत बड़ा योगदान है उसका। यदि आज नरेंद्र मोदी उल्टे सीधे हरकत कर रहा है और ये गोबर भक्त उसका समर्थन कर रहे हैं, तो वो इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार है, इस देश के विकास के बाधक है। ये समझने की विषय है। और भी मैं एक आध वीडियो आप लोग को दिखा रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है जो रिटायर हुए हैं, इनका ये बयान है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अब पैसे वालों के गुलाम बन गई है। और भी कई आपको दिखा रहा हूं, एक वीडियो और दिखा रहा हूं आपको मैं, जो एक सेकंड थोड़ा वेट करना पड़ेगा। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में, ये सुनिए मोदी जी को, देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। ये वीडियो आपने देखा, कांग्रेस की सरकार थी तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कीमत 109 बैरल थी, यानी $109, और अभी वर्तमान के अंदर सिर्फ ₹13 है, यानी $13 में एक बैरल तेल, 165 लीटर तेल लगभग मिलता है। तो देश को कौन लूट रहा है, ये आप स्वयं तय करें। और भी आपको कुछ दिखा रहा हूं मैं आज जरा कम बोलूंगा आपको, इस सरकार की जो खुद के इसके बयान है वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। बिक्री नहीं होगी तो फिर मजदूरों से पैसे क्यों लिए गए? ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का आदेश था कि मजदूरों से ट्रेन टिकट के किराए नहीं लिए जाएंगे। केंद्र सरकार का ये आदेश था, ये जारी किया गया था आदेश कि टिकट नहीं बिकेंगे, कोई टिकट नहीं बिकेंगी किसी स्टेशन पर, मजदूरों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो फिर देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, किसी भी स्टेशन पर कोई टिकट नहीं बिकेंगे, नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का, केंद्र सरकार का आदेश था, आदेश इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। आगे समझिए, जो टिकट केंद्र सरकार ने फ्री बताए थे। अब मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने कहा कि
के पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन पैसा असूली किया गया। ये मैं नहीं, ये गोदी मीडिया, आज ये जी न्यूज का ही खबर है, जो मोदी जी की भक्ति करते हैं, कितना छुपाएंगे ये भी, तो ये समझने का विषय है। दूसरी चीज, दुनिया में किस तरीके से भारत सरकार ने भारत देश का नाक कटाने का काम किया है, वो मैं नहीं, ये न्यूज चैनल कह रहा है, आप सुन लीजिए। क्योंकि जो अंधे भक्त हैं, गोबर भक्त हैं, वो गोदी मीडिया देखते हैं। जरा अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनलों का भी थोड़ा समाचार सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा देश हित के लिए, यदि देश से प्रेम करते हैं तो। सुन लीजिए एक बार। नमस्कार, आजकल पूरी दुनिया में देश का अपमान हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर द इकोनॉमिस्ट और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अंतरराष्ट्रीय अखबार हमारे देश के बारे में अच्छा नहीं लिख रहे हैं। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आखिर पिछले 6 साल में ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया जो हमारे देश को इकोनॉमिक पावर हाउस कहती थी, अब वही लोग हमारे देश को अपमानित कर रहे हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या खुद भारत की सरकार, सरकार की नीतियां, या सरकार को चलाने वाली सबसे बड़ी पार्टी? देखिए द इकोनॉमिस्ट के कुछ कवर पेज। ये तस्वीर 2010 की है। इसमें कहा गया है कि कैसे भारत चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। ये बात 2010 की है। फिर 2014 में मोदी जी आए, लेकिन उनके आने से पहले, उनके आने की आहट को पाकर द इकोनॉमिस्ट ने कवर पेज पर कहा कि क्या मोदी भारत को बचाएंगे या बर्बाद कर देंगे। याद कीजिए मोदी जी ने क्या कहा था, कि 5-6 साल पहले की बात है, मैं याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि भारत को वे विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री और कर्मचारी आज ही कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। और पांच मिनट बाद कॉल करेंगे भाई, मेहरबानी होगी। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया कह रहा है और अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड कह रहा है। द इकोनॉमिस्ट ने भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ अब ये कवर पेज बनाया है कि भारत असहिष्णु हो गया है, इनटॉलरेंट इंडिया, ये हेडिंग लगाई गई है। अब आप ही बताइए, ये देश का, अब आप बताइए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया इस देश को बर्बाद करने में कोई और कसर नहीं छोड़ रही है। अगर आज भारत देश का नाम हसाई हो रहा है तो उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान इस देश की मीडिया का है। जो मीडिया का काम है देश के अंदर जो भी हालात हो वो सच्चाई दिखाना, लेकिन नहीं, मीडिया ही अफवाह उड़ाती है, मीडिया ही गलत खबर फैलाती है और मीडिया ही इस देश के अंदर तनाव पैदा करने का काम कर रही है। कोरोना वायरस को ले लीजिए, कैसे किस तरीके से जमातिया के, मतलब मुस्लिम समाज के पीछे पड़ गए थे ये मीडिया वाले, और हिंदुस्तान के लगभग हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करने में बहुत सफलता हासिल करी। लेकिन वहीं पे देख लीजिए दारू, कई किलोमीटर की लाइनें, कितने मीडिया वाले बोले कि इससे कोरोना वायरस फैलेगा या फैला, ये नहीं बोलेंगे। तो यही चीज समझने की जरूरत है हमें। जय हिंद।